चींटी ये शब्द सुनते ही मन में एक चित्र सा बन के आता है, उस छोटे से प्राणी का जो अक्सर हमें मुंह में कुछ दबाए हुए इधर से उधर जाती दिख जाती हैं। बरसात के समय में तो चींटियां काफी देखने को मिलती हैं। यूं तो हमारी नज़र अक्सर चींटियों पर पड़ती रहती है, लेकिन इनके बारे में ऐसी बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो चलिए आज उस नन्हे से प्राणी के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताते हैं। दुनिया भर में चींटियों की करीब 12,000 प्रजातियां हैं। चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चींटियों में एक रानी चींटी होती है जिसके लाखों बच्चे होते हैं। चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से महसूस करती है। चींटियों में अगर लड़ाई हो जाए तो ये मरते दम तक लड़ती है। चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब चींटियां एक तरल पदार्थ छोड़ती जाती हैं, जिससे पीछे वाली चींटी उसके पीछे चलती रहती है। रानी चींटी के पंख होते हैं। चींटियों के फेफड़े नहीं होते, उनके शरीर में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और बाहर आती है। चींटियों की औसत उम्र 28 साल होती है, वही रानी चींटी 30 या इससे अधिक सालों तक जीती है। जब कोई चींटी मर जाती है तो उसके शरीर से एक केमिकल निकलता है जिससे दूसरी चींटियों को पता चलता है कि वह चींटी मर चुकी है। अगर वही केमिकल दूसरी जिंदा चींटी पर डाल दिया जाए तो चींटियां उसे भी मरा समझने लगती हैं। इंसान और चींटी ही ऐसी प्रजाति हैं जो भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। चींटी के शरीर की बनावट और वजन ऐसा है कि अगर इसे हवाई जहाज से फेंक दिया जाए तो भी चोट नहीं लगेगी। चींटी कभी सोती नहीं है। चींटी पानी के अंदर भी 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। चींटी के दो पेट होते हैं, एक में वो अपने लिए खाना रखती है, दूसरे में किसी दूसरे के लिए। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि धरती पर सारी चींटियों का वजन सारे इंसानों के वजन के बराबर है। डायनासोरों के जमाने में भी चींटियां हुआ करती थीं। ज्यादातर चींटियां काली और लाल रंग की ही होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हरी चींटियां भी पाई जाती हैं। चींटियां एक दूसरे को भी काट या डंक मार सकती हैं।